मुझे लगता है कि हमें कुछ खाना चाहिए। अरे नहीं, मिर्च नहीं। अब तो चीजें गर्म होने वाली हैं, खास करके मेरे लिए। मैं पहले शुरू करती हूँ। एक मिर्च और बहुत सारा पास्ता। मुझे उम्मीद है कि यह ठीक रहेगा। आह, यह तीखा है। ठीक है, यह उतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। अब मैं अपना सारा बचा हुआ नूडल्स खाऊंगी। अगर मैरी ने इसे संभाल लिया तो मुझे भी करने में सक्षम होना चाहिए। तुम बहुत गंदे हो गए हो एंडी। यह उस मिर्च का दोष है, उसी की वजह से ही हुआ। अब मेरे साथ क्या होने वाला है? मैं खाना शुरू करती हूँ। आग लग गई। अच्छी बात है कि मैं हमेशा अपने आसपास एक आग बुझाने वाली मशीन रखता हूँ। ओह, अब ठीक है, आग बुझ गई। धन्यवाद एंडी। कौन कौन फोम पार्टी के लिए आना चाहता है? मुझे पता है मैं हूँ। फिर से खाना नहीं? मैं इसे जल्दी से ठीक करती हूँ। मैरी, तुमने बस एक छोटा सा डोनट ही मुझे क्यों दिया है? क्योंकि बाकी सारा मैंने अपने लिए बचा रखी है। यह तो गलत बात है। यहाँ तो मुश्किल से कुछ भी है खाने को। बस एक दो बाइट। इसकी वजह से तुम जल्दी से खत्म कर पाए। जैस, अब तुम्हारी बारी। तुम क्या कर रही हो? मैं सोच रही हूँ कि मैं इस डोनट से शुरू करूँ। आह, मैंने अपनी उंगली काट ली। तुम्हें इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अब मेरी बारी है। मैं हमेशा से जगलिंग करना चाहती थी और यह बिल्कुल सही समय लगता है। ओह, ध्यान से मेरी, तुम जगलिंग नहीं कर सकती हो। बस रुक जाओ। अब देखो कि तुमने क्या किया है। ओ, मुझे माफ कर दो। यह गुब्बारा किस लिए है? वाह, इसके अंदर एक शक्कर है। बढ़िया है। स्वादिष्ट। आह, मेरे दांत। मुझे भी एक शक्कर चाहिए। यह मुझे एक मिनट के लिए दो। वाह, इतना सारा। देखो, यह उन सभी को एक साथ खाने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। ओ, ढेर सारी स्वाद एक साथ। अब मेरे लिए। वाह, तुम्हें तो सबसे ज्यादा मिला है। एक पूरा कटोरा भरकर। सपने सच में सच होते हैं। मैं तो इसमें स्नान कर सकती हूँ। अच्छा विचार है। मैं कुछ स्वादिष्ट पानी की कामना कर रही हूँ। यह काम कर गया। चॉकलेट। तुम भाग्यशाली हो। मैं रुक नहीं सकती, मुझे यह बहुत पसंद है। हाँ, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है और मुझे पता है कि इसका क्या करना है। मैं इन सबको कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखूंगी। मुझे लगता है इतना काफी है। अभी तक का सबसे अच्छा गर्म कोको। बस एक ही कमी है, स्ट्रॉ की। इस कटोरे में पूरे स्वर्ग का सुख समाया हुआ है। और यह इसके साथ खाने के लिए चॉकलेट बार भी है। बहुत स्वादिष्ट। अब यह कुछ और है। मेरा पेट पूरा भर गया है। अरे जरा इधर देखो, मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ था। अरे यार, यह तो बहुत ज्यादा है। और इसका हर अंतिम टुकड़ा मेरा है। मैं इसे एक बड़ा मीठा टावर बनाने जा रहा हूँ। यह प्रभावशाली है। मुझे यह पता है। अब समय है इसे खाने का।
तुम बुरा मत मानना अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं, है ना एंडी? मैरी, तुमने इसे गिरा दिया। हालांकि कौन परवाह करता है, इससे इसका स्वाद तो नहीं बदल जाएगा ना। मुझे पता नहीं कि अगर मैं इस बटन को दबाऊं तो क्या होगा। कोक, बहुत बढ़िया। मैं इसे खोल नहीं पा रही। क्या सच में ये टूट ही गया? ठीक है, फिर समय है इस उपकरण के उपयोग करने का। अभी तक इसमें से कुछ बाहर क्यों नहीं आ रहा है? यह एक सेटअप था। अब मैं पूरी तरह से सर से लेकर पांव तक सोडा से भींगी हुई हूँ। अब मैं बटन दबाकर देखना चाहती हूँ। इतने सारे कैंस, मुझे इस राउंड के लिए एक विशेष प्रकार के स्ट्रॉ की जरूरत होगी। यह जीनियस आइडिया है जेस, बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि मैं एक बार में सभी 10 कैन को पीकर खाली कर सकती हूँ। हो गया, अब मैं ही बचा हूँ। अरे वाह, कोका कोला की एक पूरी दीवार। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। मैं तो सारे पी जाऊंगा। कुछ आखिरी काम और हो गया। एंडी, मेरे पास तुम्हारे लिए थोड़ा सरप्राइज है मेरे दोस्त। एक पूरा पैक मेंटोस का, यह मजेदार होने वाला है। यह क्या? माफ करो, मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज्यादा हो जाएगा। हाँ, पिज्जा, आखिरकार कुछ ऐसा जिससे मेरा पेट पूरा भर जाए। लेकिन पहले इसमें कुछ चीज डालने की जरूरत है। वाह, यह कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो खाना शुरू कर रही हूँ। उंगली चाटकर खाने लायक, बहुत बढ़िया। मैं भी और चीज के लिए ना नहीं कहूंगी। आखिर इसे कौन मना कर सकता है? मेरे तो जीभ में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। चीज का इतना बड़ा टुकड़ा, वैसा ही जैसा कि मुझे चाहिए था। अब काम पर लग जाता हूँ। ओह, मेरे हाथ थक गए, और वास्तव में मैं भी। मैरी, मुझे लगता है कि अच्छा मौका है नाश्ता करने का। हाँ, इसे छोड़ नहीं सकते। यह तो चीज का पहाड़ है। ओह हाँ, यह अद्भुत था। हाँ, क्या मेरा पिज्जा कहाँ गया? वाह, हॉट डॉग्स। मेरे पास बस एक छोटा सा है। मैरी के पास तो इतना खाना है कि वो पूरे कॉलोनी को खिला सकती है। कभी आप जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो कुछ मिला हो उसका आनंद न लिया जाए। मैं तुम्हारे फिलॉसफी के आधार पर कोशिश करता हूँ। एंडी, तुम बहुत अनाड़ी हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, हॉट डॉग बहुत फिसलता है। मैं निश्चित रूप से इस समस्या में पड़ना नहीं चाहती, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है, मुझे एक बहुत बड़े ब्रेड की जरूरत है। हाँ, अब यह सही है। इसमें से अब कुछ नहीं गिरेगा। यह अंतिम टुकड़ा, इसे कहते हैं प्रदर्शन। कितना सुंदर है, मुझे नीला रंग बहुत पसंद है। और मुझे एक नीला केक मिला है, इसे कहते हैं किस्मत। और मुझे गुलाबी रंग पसंद है, जो सभी लड़कियों को पसंद होता है। और मेरा केक गुलाबी है, स्ट्रॉबेरी के साथ। वाह, कितना सुंदर और बड़ा केक। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे काला केक क्यों मिला है। आशा करता हूँ कि यह स्वादिष्ट हो। यह तुम बाद में पता कर लेना, क्योंकि मैं पहले खाना चाहती हूँ। मेरे केक को गमी आइट से सजाया गया है।
इसे पहले खेल सकते हैं और फिर इसे खा सकते हैं। कितना बढ़िया है। जब तक तुम खेल रही हो हम कुछ गमी तुमसे चुरा सकते हैं। अपने हाथ हटाओ। तुम्हें मेरे केक को छूने की इजाजत किसने दी? और मेरी आंखों को हिम्मत भी मत करना। ठीक है चिल्लाओ मत। मैं अपने केक और कैंडी को खुद संभाल सकती हूँ। ये तुम्हारे मुंह में जाते ही गायब हो जा रहे हैं। इसे कहते हैं स्पीड, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितना। देखो अब मेरे पास अंतिम आग बची है। क्या इतनी जल्दी खा सकना संभव है? देखो लगता है मेरी तीसरी आंख है। यह सच में असली की तरह लग रहा है। कितना अच्छा। खैर अब आंखें खत्म हो गई हैं, अब केक की बारी है। कितना स्वादिष्ट क्रीम है, मुझे ये खाना ही है। इसे छोड़ा नहीं जा सकता। ओ, इसे देखकर मेरा सिर घूम गया। बस हो गया, सारी फ्रॉस्टिंग खत्म हो गई। यह तुमने क्या किया बेचारा केक। अब बस केक का भूरा बोरिंग हिस्सा बचा हुआ है, अब इसे हटाया जा सकता है। अब सूजी का हो चुका, इसका मतलब मेरी बारी। आशा करता हूँ कि केक का यह रंग किसी भी तरह उसके स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। वाह, यह केक वास्तव में स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। हाँ पर तुम वो काले ब्रोकली को क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि मुझे वह पसंद नहीं है। मेरे पास पर्याप्त स्वादिष्ट केक है। यह तुम क्या कर रहे हो? असल में तुम्हें जो कुछ भी मिला है तुम्हें वह सब खाना होगा। सूजी मुझे परेशान मत करो, मेरा पेट भर गया है। तुम्हें यह खाना ही होगा। नहीं मुझे अब नहीं खाना। अगर तुम्हें खुद से नहीं खाना है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखो मेरे पास क्या है, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगी। नहीं मुझे नहीं खाना। देखो हवाई जहाज आ रहा है, मुंह खोलो। ओ, अपने हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं है। छी, इसका स्वाद कितना गंदा है। एक और मम्मी के लिए। बस हो गया, ये बहुत बेकार है, मुझे ब्रोकली पसंद नहीं है। आखिरकार अब मैं अपना केक खा सकती हूँ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, उन ब्रोकली के लिए मैं मैरी से बदला लूंगा। छी, तुम्हारे केक से इतनी बदबू क्यों आ रही है? क्या सच में इसे बदबू आ रही है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तुमने ये क्या किया? क्यों? वाह, अब तुम्हारे पूरे चेहरे पर स्ट्रॉबेरी है और फ्रॉस्टिंग भी। तो क्या ये अभी भी स्वादिष्ट है? ओ हाँ, तब फिर ठीक है, शायद हम भी इसे खा सकते हैं। किसी हाल में नहीं, मैं यह सारा खुद खाऊंगी। खैर हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। यह सही नहीं है। वाह, कितनी छोटी सी सुंदर सी चीज है। बस यह समझना बाकी है कि यह कैसे काम करता है। मुझे पता है ये कैसे काम करता है, ये साधारण गम मशीन है। मुझे भी गम मशीन मिली है, पर ये काफी बड़ी है। जब तक जैक अपनी मशीन से गले मिल रहा है, मैं अपनी मशीन से कैंडल निकालने की कोशिश करती हूँ। हुर्रे, मैं किस्मत वाली हूँ, पहली बार में ये जैकपॉट। ये मस्त है। लेकिन मशीन ने केवल एक गम ही क्यों दिया? मुझे और चाहिए। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। उफ, ये बेवकूफ मशीन, ये काम ही नहीं कर रहा है। अब क्या करूँ? मैं गम कैसे निकालूँ? बस हो गया, मैं इस मशीन को हथौड़े से तोड़ दूंगी। यह हथौड़ा है, यह तो टूथपिक लग रहा है। तुम्हें यह मजाक लग रहा है?
अब इस भारी हथौड़े के बारे में क्या ख्याल है? तो अब बाय बाय गम मशीन, हेलो च्युइंग गम, सब ठीक है। अब मुझे और तरसना नहीं होगा, मैं बस इन च्युइंग गम को खा सकती हूँ। ये कितने स्वादिष्ट है, कितना स्ट्रेची है ना ये। अच्छा वाह, बहुत बढ़िया। सूजी के गम इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं, इसलिए मैं भी अपने गम अपनी वेंडिंग मशीन से जल्द निकालना चाहती हूँ। हालांकि मुझे अब तक समझ नहीं आया कि कैसे करना है, मुझे लग रहा है कि ये मुश्किल है। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसे धीरे धीरे और बहुत सावधानी से करना होगा। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। धीरे धीरे प्रत्येक कैंडी हमारे पास आने के लिए इस छेद में गिरना चाहिए। बस हो गया, जैक ने फिर सभी को बचा लिया और इसके लिए वो पुरस्कार का हकदार है इन च्युइंगम के रूप में। जी नहीं, मैं इसे तुम्हारे मदद के बिना भी ठीक से संभाल सकती हूँ, इसलिए यह लो। वाह, गम खाने का कितना सुविधाजनक तरीका है, कोई हाथ गंदे नहीं, इसी मशीन से छेड़छाड़ नहीं, बस एक जैक चाहिए। क्या तुम मुझे इस तरह से धन्यवाद कर रही हो? खैर ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे गम हैं, बस मुझे उसमें एक सिक्का डालना है और तुरंत गम मेरे हाथ में। वाह, देखो कितने सारे च्युइंगम बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी भी उस गेंद में काफी है, मेरे पास लंबे समय के लिए पर्याप्त स्टॉक है। दोस्तों, सभी के पास च्युइंगम थी, पर किसी ने बबल बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे पता है, क्योंकि तुम लोग निश्चित रूप से हारोगी। मेरा बबल बहुत बड़ा होगा और अब मैं इसे साबित करूंगा। लगता है बबल बहुत बड़ा हो गया। देखो जैक उड़ रहा है, उसे पकड़ो, नीचे खींचो। बचाओ, ओ, ओ, ये मजेदार था। लगता है हमारा अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर आ रहा है। हाँ, 5 मिनट की उड़ान अच्छी थी। जैक तुम बहुत मजाकिया हो। पेन, पर ये क्यों मिला है? मुझे खुद नहीं पता, मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन बॉल के अंदर कुछ स्वादिष्ट हमारा इंतजार कर रहा है। चलो पहले मुझे पल्ले पता करने दो कि इसमें क्या है। वाह, यह कोई साधारण कैंडी नहीं है, बल्कि स्कीटल्स कैंडी है और बहुत सारे भी। मैं एक ही बार में सारी कैंडी खा लेना चाहती हूँ। ओ यार, ये बहुत स्वादिष्ट है। जैक, अब तुम्हारी बारी। हाँ, बॉल पर जो लिखा हुआ है उसे देखकर तो लग रहा है कि चॉकलेट सिरप मेरा इंतजार कर रहा है, और यह वॉफल के साथ सबसे अच्छा लगता है, तो मैं अपना वॉफल तैयार कर लेता हूँ। सब मेरे ऊपर क्यों गिर गया? लगता है तुमने वॉफल के साथ गलती की है, तुम्हें इसे बाईं तरफ रखना चाहिए था। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है, तुम्हें पता है अभी क्या होने वाला है? अब मेरे पास एक अच्छी चॉकलेट मूछें होंगी। हाँ, एक बच्चे की तरह और शायद बिल्ली की तरह। हमें जरा भी हंसी नहीं आ रही है। ओह चलो, तुम लोग बहुत बोरिंग हो। अच्छा होगा मैं अपना वॉफल खाऊं। मैं क्या करूं? अगर मैं बॉल में छेद करती हूं तो फैंटा मुझ पर गिरेगा। मुझे लगता है बॉल से सीधे फैंटा पी सकते हैं। इस तरह से बहुत अधिक सुविधाजनक हो जाएगा और स्वादिष्ट। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे फैंटा से दूर रहो। लालची, उसे सबक सिखाना जरूरी है। बिल्कुल, यह आइडिया सही रहेगा। ये तुमने क्या किया? मैं पूरी तरह से चिपचिपी और गीली हो गई हूँ।
अगली बार से इतनी लालची मत बनना।